देर वॉज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, सो आई एम कंटिन्यूइंग माई टॉपिक. सो अभी मैंने आपको कंडक्टिविटी पढ़ाया, कंडक्टेंस पढ़ाई. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ अब मुझे बताओ, जो हमने पिछले लेक्चर्स में ओम्स लॉ को पढ़ा है, यू नो व्हाट दैट इज I इज इक्वल टू वी बाई आर. मगर ये जो है ना, ये जो आपने पढ़ा, दिस इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इसको बेटा क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. बट why? इसको बेटा क्यों मैक्रोस्कोपिक कहते हैं? Why? Because इसमें जो भी क्वांटिटीज हैं, you can measure them directly by certain instruments. जैसे you can measure the current. Here I is the term which you can measure by ammeter. अच्छा, you have the term V. You can measure it by voltmeter or potentiometer. Okay, is there any instrument which can measure resistance? Yes, there are a lot of instruments by which you can measure this R, like Wheatstone bridge or potentiometer. बहुत सारे instruments हैं जिससे ये R निकल सकता है. ठीक है? तो this can be also measured by resistance measuring instruments. So इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इसको macroscopic form of Ohm's law क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स हैं, दे कैन बी मेजर्ड बाय सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, दे कैन बी मेजर्ड बाय सर्टेन डिवाइस. और एक बात, ये जो करंट है, इट इज व्हाई इट इज मैक्रोस्कोपिक. यस, देयर इज अनदर रीजन फॉर इट, दैट इज कि व्हेनेवर यू मेजर द करंट, दिस करंट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, दिस करंट इज डिफाइंड फॉर होल कंडक्टर. जब मैं आपको बता रहा हूं इस वायर में 3 एम्पियर की करंट है, सो मैं क्या बता रहा हूं, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू दिस होल कंडक्टर. बट ऐसे ही वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, और जो है इट इज अगेन ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. समझ आ रहा है? लेकिन बेटा अगर आप यहां पर, मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें थोड़ी सी चेंज ला रहा हूं. देखो चेंज क्या ला रहा हूं मैं बेटा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. तो ये आपको समझ आया why this is known as macroscopic form? Because in this form, whatever variables or parameters are coming here, all those parameters can be measured directly by an instrument. And furthermore, why they are known as macroscopic? Because they are defined for bulk. They are defined for whole material, for whole conductor. They are not defined for a particular point. These are not the terms which can be defined for a localized point. No, they are defined for whole material. इसलिए इनको macroscopic parameters, macroscopic quantities भी कहते हैं. Now, I is equal to V by R. But you know, resistance अगर याद होगा, हम resistance को ऐसे भी लिखते हैं, rho L divided by A. याद है बेटा? ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस A को यहां ले जाऊंगा. सो व्हाट इट विल बी, I डिवाइडेड बाय A, शाबाश, इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय रो L. एनी कंफ्यूजन्स? ओके, व्हाट इज I बाय A? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इट इज नोन एज करंट डेंसिटी, इट इज G. ओके, इज इक्वल टू, यहां पर ऐसे लिखेंगे बेटा, 1 बाय रो, ओके, इनटू वी डिवाइडेड बाय एल. व्हाट इज 1 बाय रो? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यू नो इट इज नोन एज कंडक्टिविटी. तो जे बेटा किसके बराबर आ गया? सिग्मा टाइम्स वी बाय एल. लेकिन आपको पता है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. यानी कि वो दो एंड्स जिनमें यूनिट मीटर की डिस्टेंस है, उन दो एंड्स में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज मे दैट गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड. या हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस. सो ई हम लिख सकते हैं ना वी बाय एल. तो सबस्टिट्यूट हियर, बोलो बेटा जे किसके बराबर आ गया? सिग्मा टाइम्स
नाउ टेल मी दिस जे हियर सिग्मा इज कॉन्स्टेंट, तो बताओ करंट डेंसिटी कब बढ़ेगी? कैन आई से दैट करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका मतलब क्या हुआ? जब आप एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो उससे क्या बढ़ जाएगी? करंट डेंसिटी, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगी, लोकलाइज्ड पॉइंट्स पे करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो दैट मींस ये जो यहां पे आपने लिखा, दिस इज नोन एज, ये भी ओहम्स लॉ ही है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज अगेन ओहम्स लॉ, बट इट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। इसको बेटा क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्यों? व्हाई इट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक? देयर आर टू रीजंस। वन ऑफ द रीजन इज दैट दिस जे इज द करंट डेंसिटी, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन मेजर इट। ओके, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, यू कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। Electric field, you cannot measure it directly by an instrument. That's why this is known as microscopic form. Furthermore, J is the current density. It is not defined for whole conductor. It is defined for a particular point. It is localized term. इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा parameter है? Microscopic. तो J जो है, current density जो है, ये microscopic term है किसकी? Current की. So current is the microscopic term. And J is the microscopic term. So current density की जो macroscopic term है वो I है। चलो आगे। Sigma, it is again a microscopic term. अच्छा, what about E? Electric field. ये बेटा microscopic term है। ये हम define कर पाते हैं किसी particular point पे। So electric field is the microscopic term for what? Potential difference. Potential difference is the macroscopic term. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द माइक्रोस्कोपिक टर्म। एंड क्यों इसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं? बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बट दिस थिंग यू कैन मेजर इट डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सो माइक्रोस्कोपिक टर्म मैंने पहले भी बताया, जैसे आप क्या करते हो, आप किसी पानी की क्या कर रहे हो, पानी की डेंसिटी ओवरऑल निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं, जैसे विस्कोसिटी मैंने बताया, पूरे फ्लूइड की विस्कोसिटी देखो, लेकिन एक और टर्म, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे विस्कोसिटी देखना चाहते हो, देन देयर इज अ सेपरेट टर्म नोन एज किनेमैटिक विस्कोसिटी, दैट इज क्वोशेंट ऑफ विस्कोसिटी को डिवाइड करो डेंसिटी, दैट विल गिव यू किनेमैटिक विस्कोसिटी, बट दैट इज अ मॉलिक्यूलर टर्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। ऐसे ही समझो, हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में हमने डिफाइन किया। मैक्रोस्कोपिक टर्म इज करंट, माइक्रोस्कोपिक टर्म इज करंट डेंसिटी, मैक्रोस्कोपिक टर्म इज पोटेंशियल डिफरेंस, माइक्रोस्कोपिक टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रिसिटी एट बोथ फॉर होल एट बल्क लेवल और फॉर होल कंडक्टर एंड ऑल्सो फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो जब आपने इस चार्ज को पूरे कंडक्टर के लिए देखा तो आपने मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ लिया, और जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट में वहां पर कोई चेंज या इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना चाहते हो, देन यू विल अप्लाई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। सो व्हेन यू कैन अप्लाई दिस, सो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ विल बी अप्लाइड व्हेन यू वांट टू नो द चेंज फॉर होल कंडक्टर, व्हेन यू वांट टू स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी एट द बल्क लेवल, व्हेन यू वांट टू स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी फॉर होल क्रॉस सेक्शन। बट इफ यू वांट टू स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी at localized point, if you want to study this electricity at a particular point inside the conductor, then this macroscopic form of Ohm's law is of no use. Then which form of Ohm's law you will apply? Microscopic. So is that clear? Macroscopic for bulk at for whole conductor, microscopic for a particular point, for a localized point. So, और एक बात, क्यों माइक्रोस्कोपिक कहते हैं? Because इसमें जो भी टर्म्स आती हैं, you cannot measure them directly by an instrument. So आप देखो ओहम्स लॉ, I is proportional to V, या V is proportional to I. Here, J is proportional to E. So more is the electric field, more will be the current density. ये जो टर्म आ गई है माइक्रोस्कोपिक आ गई, सो इसका मतलब क्या हुआ?
किसी रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अच्छा, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी भी कम होगी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप हो तो करंट डेंसिटी उस कंडक्टर में हर जगह सेम नहीं होगी। करंट डेंसिटी वहां ज्यादा होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट डेंसिटी उस पॉइंट पे। सो अगेन क्वेश्चन इज अबाउट द पॉइंट, आप लोकलाइज्ड लेवल पे, आप पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना चाहते हो, देन यू विल यूज दीज टर्म्स। अगर आप बल्क लेवल थ्रू आउट द मटेरियल आप स्टडी इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना चाहते हो, देन यू विल यूज दीज पैरामीटर्स। सो दिस वॉज अबाउट द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law. So thank you so much and stay connected with me. Inshallah, many more topics, in fact very much important topic about circuit theory, Kirchhoff's laws will be discussed in coming lectures. Thank you so much. Assalamu alaikum.